कर चुका है हिंडन नदी, जिसका उन्होंने मुझे संयोजक बनाया था। हम लोग 12, 13, 14 तीन दिन बंगाल का दौरा हमने किया। लगभग 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस में हम लोग गए, कई जगह गए, देखा। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, तो इसके पहले कि हम इसका कंटेंट्स के बारे में आपको बताएं, हम चाहते हैं कि हम लोग अपना पूरा काम आइए। थैंक यू। मित्रों, ये देश लोकतंत्र है और हम सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सांसद बने हैं, लेकिन हमें ममता सरकार की अगुवाई में एक बहुत ही विकृत और शर्मनाक लोकतंत्र देखने का दुर्भाग्य मिला। वी नोटिस्ड ए सिकनिंग सिंबल ऑफ शेमफुल डेमोक्रेसी इन बंगाल इलेक्शंस। आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव वो संविधान की एक मर्यादा है, संविधान के अंतर्गत फर्स्ट टायर ऑफ इलेक्शंस है वो, और उसका एक चुनाव आयोग होगा, ये भी संविधान में प्रावधान है। तो आज क्या ग्राम पंचायत, क्या नगर निगम, क्या जिला परिषद, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, इन सभी संस्थाओं के बारे में संविधान में ही प्रावधान है, और उसके बावजूद इस तरह की हिंसा हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपने यात्रा में, एक तो मुझे मालूम था कि वहां यात्रा रोकी जाती है, सतपाल जी भी गए थे, बिजलाल जी भी गए थे तो रोक दिया गया, बहन रेखा जी भी गई थी तो इनको भी जाने नहीं दिया गया पूर्व में। तो इस बार मैंने दिल्ली से ही कमेंट करना शुरू किया, मैं उम्मीद करता हूं ममता जी हमें जाने देंगी अगर वो लोकतंत्र में बिलीव करती हैं। फिर हम हवाई अड्डे से उतरे तो हमें बाहर जाने दिया गया, फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा ममता जी धन्यवाद, आपने हमें हवाई अड्डे से बाहर निकलने दिया, हम उम्मीद करते हैं कि हमें हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में विजिट करने का आप अवसर देंगी। ये चलता रहा। मित्रों, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, जो इस रिपोर्ट का भी पात है, उसके 5 मूल बिंदु हैं। नंबर 1, नॉमिनेशन करने नहीं देंगे, यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल नॉमिनेशन। नंबर 2, नॉमिनेशन कर लिया तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बाल बच्चों को भी किडनैप कर लेंगे, सच्चाई हुई। तीसरा, अगर नॉमिनेशन कर भी दिया तो किसी तरह गड़बड़ी में आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। और चौथा, अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे, घर में हिंसा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और अगर आप जीत गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप दस्तखत करो कि आप टीएमसी ज्वाइन करोगे। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट, यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल नॉमिनेशन, इफ यू सक्सीडेड यू विल नॉट बी अलाउड टू कैंपेन अंडर थ्रेट ऑफ किडनैपिंग ऑफ योर चिल्ड्रन, इफ येट यू इंसिस्ट देन योर सपोर्टर्स विल बी अटैक किल्ड विथ इंप्यूनिटी, एंड नेक्स्ट इवन इफ यू मैनेज टू विन यू विल नॉट बी गिवन द विक्ट्री सर्टिफिकेट टिल यू गिव एन अंडरटेकिंग ऑफ ज्वाइन द टीएमसी। ये एक मोटी बात आप जान लें,
ये शरण था। दूसरी बात, आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो हमने हाईकोर्ट के 5 आदेश को कोट किया है। ये काफी इलैबोरेट रिपोर्ट है, शुरू में सिनॉप्सिस भी है कि हाईकोर्ट ने कैसे 5 बार निर्देश दिया है कि चुनाव फेयर होने चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग में गड़बड़ी की गई, सेंसिटिव बूथ की सूची नहीं दी गई, आपको मालूम है, तो उनको मिसप्लेस कराया गया ताकि वो फील्ड में जा नहीं सके। मैं हाईकोर्ट के 1-2 आदेश खाली आपके सामने पढ़ने की आपसे अनुमति चाहता हूं, और जिससे आपको समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाईकोर्ट ने, देखिए मैं एक पढ़ रहा हूं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू रिव्यू द असेसमेंट प्लान सबमिटेड बाय स्टेट एंड वेयर एवर देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स इन ऑल सच एरियाज ऑल्सो द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल रिक्विजिशन डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज। द रिक्विजिशन शैल बी डन फोर्थविथ बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बाकी और आदेश हुआ, अब फिर देखिए वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया, समझे आप, इस आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वुड नॉट कॉल फॉर एनी इंटरफेरेंस इन दीज सर्कमस्टेंसेस, तो उसको डिसमिस किया गया। और ये देखिए, देयरफॉर वी आर, ये हाई कोर्ट का एक और आदेश है, therefore we are of the view that such deployment of forces from other states to be in place on the date of polling and will not yield the desired result, therefore dehors the number of police forces which may have been requisitioned for other state, the state election commission shall independently assess the requirement as observed earlier and should be honest and bearing in mind so and so forth constitutional obligation। uske pashchat phir court ka contempt bhi hua, contempt mein bhi unki jawab, और देखिए कोर्ट ने एक और आदेश क्या किया, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिजर्व ऑल रिकॉर्ड्स कंसर्निंग द इलेक्शन इंक्लूडिंग द सीसीटीवी फुटेज एंड इट शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ये भी कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट के इतने आदेश को हमने इसमें कोट किया है, इन सबों के बावजूद इतनी हिंसा हुई, तो ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। कई लोग मारे गए, हम लोग उनसे मिले, हम लोग जैसा बताया नॉर्थ बंगाल भी गए थे, साउथ बंगाल भी गए थे, डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। लेकिन कई लोग जो मारे गए उनकी विधवाएं जब हम लोग उससे मिलकर रोती थीं, तो हम सबों के लिए बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। इट वॉज ए पैथेटिक सीन फॉर अस। मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये सारी फोटो, ये सब इसमें सब फोटो सब बकायदे लगी हुई है, 10-15 फोटोग्राफ आपको हम बताना चाहते हैं, जो हम लोग गए थे, सब अस्पताल गए थे, बाकी जगह गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है, और आज मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करूंगा कि यह बात देश में जानी चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट मधुमिता मंडल वॉज असॉल्टेड बाई टीएमसी वर्कर, हम उसके गांव गए थे 2 किलोमीटर चल करके। उसकी डॉटर इन लॉ श्वेता प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर इतना हमला किया कि वो मेरे और रेखा जी के एकदम आकर के इतनी रोई, उसका घर तोड़ दिया। वो भागी हुई थी हमारी उम्मीदवार। दुर्गा मंदिर बूथ नंबर 125, एक 13 साल के लोकल बच्चे को फरसा से ऐसा मारा कि पूरा कट गया था उसका। उन्होंने सब देखा, बाकी दुर्गा मंदिर का उन्होंने वो भी कैमरा तोड़ दिया पूरा। सबसे तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और दुख भी लगेगा कि बूथ नंबर 179 में शांतनु पात्रा, ये सब आदिवासी हैं, आती पिछड़े हैं, वो बंगाल तमिलनाडु में राजमिस्त्री का काम करता है। वो घर आया था वोट देने,
और राजमिस्त्री कुछ पैसे बचाया था और एक अच्छा मकान बनवाया। उसका एक ही पाप था कि उसने नरेंद्र मोदी की फोटो अपने बरामदे में लगाई थी। उसका घर तोड़ दिया, उसका फ्रिज तोड़ दिया, उसका टीवी तोड़ दिया, उसकी माँ को इतना पीटा, वो रोते हुए हम लोग से मिली और उसने तो भाग करके अपनी जान बचाई। वहाँ से निकले हम लोग तो कम से कम 200-300 महिलाओं ने हम समूह घेर लिया और बंगाली में बोल रही थी, हम लोग समझे कि हमारी जान बचाई है। टीएम साल वर्कर कहते हैं चुनाव हो गया, अब खेला हो गए। और तो ये जो खौफ का माहौल, ओवरपावरिंग फियर हैज बिकम द हॉल मार्क ऑफ दिस इलेक्शन।